आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपी के मिर्जापुर में आज पाकिस्तान की जेल में 11 वर्षों की सजा काटने के बाद आज पुनर्वासी अपनी मातृभूमि लौटकर वापस पहुंचा तो उसका फूल मालाओं से भव्य स्वागत जिले के अधिकारियों ने भी किया। पुलिस लाइन में घर वापसी पर प्रभारी जिला अधिकारी अविनाश सिंह और एसपी अजय कुमार सिंह ने पुनर्वासी को बुके भेंट कर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि मिर्जापुर के भरूना गांव के रहने वाले पुनर्वासी कन्हैया लाल मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण घर से भटक कर ट्रेन से जोधपुर पहुंचा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 2009 को पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान के नौलखा लाहर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तब से पुनर्वासी पाकिस्तान की जेल में बंद था। पुनर्वासी के घर का पता नहीं चलने के कारण उसकी वापसी में विलंब हुआ। पुनर्वासी की वापसी के लिए 5 वर्ष पूर्व जिला अधिकारी वाराणसी को भारत सरकार से एक पत्र आया, जिसमें बताया गया कि वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर घर का पता लगाने के लिए कहा गया। पता अस्पष्ट होने के कारण कोई जानकारी पुनर्वासी के बारे में नहीं मिल पाई। 6 फरवरी 2019 को डीएम सहारनपुर मिर्जापुर हापुड़ को पुनर्वासी की नागरिकता छानबीन के लिए शासन द्वारा फिर से एक पत्र लिखा गया तो एक बार फिर पुनर्वासी के घर की तलाश शुरू हुई। मिर्जापुर एलआई द्वारा 2020 को पुनर्वासी के घर का पता लगाया गया। इसके बाद पुनर्वासी की पाकिस्तान से वापसी के लिए भारत सरकार को एक पत्र भेजा गया। भारत सरकार के प्रयासों से 17 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के पुनर्निवासी को बीएसएफ को पंजाब अटारी बॉर्डर पर सौंपा गया। इसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वासी की बहन और उसके पति के साथ एक सिपाही को अमृतसर भेजा गया। आज पुनर्वासी को बेगमपुरा एक्सप्रेसवे ट्रेन से पुनर्वासी को वाराणसी लाया गया, जहां से वह आज अपने घर पहुंचा। प्रभारी डीएम का कहना था कि पुनर्वासी के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा, जॉब की भी सुविधा दी जाएगी। पुनर्वासी जो लगभग 11 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहा और आज रिहा होकर के अपने जनपद मिर्जापुर वापस आया है, इस संबंध में काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। पहले इसका पता तस्दीक नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे वर्तमान इंस्पेक्टर लाइन ने काफ़ी मेहनत के बाद इसका पता खोज निकाला। उसके बाद भी प्रशासन के माध्यम से उसको अटारी बॉर्डर भेजा गया। वही इसके बहन बहनोई और साथ में हमारा फोर्स भी गया था। 14 दिन इसको क्वारंटाइन रखा गया अटारी बॉर्डर पर। उसके बाद ये ट्रेन से बनारस आया, बनारस से आज मिर्जापुर अपने मातृभूमि वापस आया है। और मिर्जापुर पुलिस लाइन में आपने देखा कि सभी लोगों ने इनका स्वागत किया, फूलमालों ने स्वागत किया, पूरे प्रशासन ने स्वागत किया, आपत्कार बंधुओं ने इनका स्वागत किया और हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। सर, कब कब ये गया था पाकिस्तान जेल में, लगभग कितने साल हो गए? ये लगभग 11 साल हो गए, 9/5/2009 को इसमें मिली थी। अटारी बॉर्डर से सर लाने में कोई दिक्कत हुई थी? अटारी बॉर्डर लाने से कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ से सिपाही भेजा था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी लाने के लिए। परिवार के परिजन बाहर बनो हमारे पास के सिपाही। पुनर्वासी लाल पुत्र कुंदर लाल, जो कि हमारे सिटी विकास खंड के भरूना गांव के रहने वाले थे, लगभग वर्ष 2009 के करीब ये पाकिस्तान चले गए थे और भटकते हुए, और वहाँ पर लंबे समय तक वो जेल में रहे। और जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से पत्राचार करने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्राचार किया गया। उसके फलस्वरूप आज वो है पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने देश में आए, अपने प्रदेश में आए और आज जो है वो अपने घर पहुँच चुके हैं। और निश्चित रूप से ये बड़ी एक खुशी की बात है, जिसमें सभी जनपद वासी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर पुनर्वासी लाल का फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुनर्वासी इस वक्त जो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर भी हैं, तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिलकर उनको पुनः एक उनको जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे उनको रोज़गार का अवसर देना हो, चाहे उनको आवास की सुविधा देनी हो, या खेती के काम में या पशुपालन के काम में पूरी तरह से इनकी मदद की जाए। सर, पुनर्वास बहुत ज़रूरी है, ऐसे में पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाए? निश्चित रूप से अभी हम इसको देखेंगे, चूँकि आपने सही कहा है कि इनके पास रहने के लिए और चीज़ें कुछ आवश्यकता है, तो हम इनको आवास देने के लिए यथासंभव हर प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इनको अगर ये अन्य रोज़गार भी कोई करना चाहते होंगे तो उसको उसके लिए अवसर हम इनको मुहैया कराएंगे। और इसमें मतलब सिर्फ विकास में ही नहीं, सब जितने भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सभी लोग हैं, पूरा जनपद के लोग इस अच्छे काम में लगे हुए हैं और पूरी उनकी सहायता की जाएगी।